हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आइए, आज हम लोग अपना बॉर्नहेवर साइकिल, जो कि अधूरा रह गया था, आज उसे पूरा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने वही साइकिल फिर से बनाया है और इस बार मुझे हीट पता है, सिर्फ और सिर्फ लैटिस एंथैल्पी को छोड़कर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, हमने कल बताया था कि हम बॉर्नहेवर साइकिल के माध्यम से हेस का नियम प्रयोग करके, हेस के नियम का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, लैटिस एंथैल्पी को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सब्लिमेशन कराया था, फिर हम लोगों ने क्या कराया था, डिसोसिएशन कराया था। डिसोसिएशन कराने के बाद ये जब सोडियम हमारा और सीएल दोनों गैस में हो गए हैं, तो अब गैस में हो गए हैं लेकिन हमारा लैटिस एंथैल्पी क्या कहता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू गैसियस आयन कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड। सो वी हैव टू कन्वर्ट गैसियस एटम इंटू आयन फर्स्ट, सो सीएल ऑल्सो कन्वर्टेड इंटू सीएल निगेटिव एंड सोडियम ऑल्सो कन्वर्टेड इंटू सोडियम पॉजिटिव। यहाँ पे जो हम लोगों ने किया, तो आयनाइजेशन एनर्जी का यूज हुआ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का यूज हुआ था। यहाँ पे हम लोगों ने इस बार एनर्जी भी लिख ली है कि कौन कितना एनर्जी लगता है, कौन कितना रिलीज करता है। तो जब सब्लिमेशन कराते हैं तो बच्चों लगभग 107.8 किलो जूल मोल इनवर्स, इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह जब हम लोग डिसोसिएशन कराते हैं तो ये आपके सामने लिखा हुआ 121.3, और इसी तरह जब हम लोग आयनाइजेशन कराते हैं तो 495.4। आपको पता है कि ये एनर्जी पॉजिटिव होगी, ये एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, ये एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और हमने बताया है कि जो प्रोसेस कराने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसमें हम लोग हमेशा प्लस साइन का यूज करते हैं, पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव लेते हैं वो एनर्जी, हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आप, ये वाला क्लोरीन से हम लोग क्लोरीन आयन जब बनाए थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुआ था, और जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, जो कि हमेशा हमको इस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये निगेटिव होती है। जब भी एनर्जी रिलीज हो वहां पे निगेटिव होगा, जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो वहां पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इसी तरह जब हमारा आयनिक, जब ये दोनों गैसियस आयन मिलते हैं तो यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी, ये जो है इस प्रोसेस में हमको हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, इस लैटिस एनर्जी भी हमारा निगेटिव होता है, इसलिए प्यारे बच्चों लैटिस एनर्जी भी हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये निगेटिव, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, यहाँ पे लैटिस एनर्जी की वैल्यू हमको नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब्लिमेशन पता है, डिसोसिएशन भी हमने लिख रखा है कितना होता है, लगभग इतना लगता है डिसोसिएशन, ठीक है। आयनाइजेशन भी लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी लिख रखे हैं, ठीक है। अब हम लोग इस साइकिल में यूज करेंगे, बॉर्न हैवर साइकिल में हम लोग क्या यूज करेंगे, हेस का नियम, हेस नियम का यूज करेंगे। और हेस का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, हेस का नियम प्यारे बच्चों ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन, ये देखिए ये यहाँ से मैंने एक स्टेप में कराया है, जब एक स्टेप में कराया तो हीट ऑफ एंथैल्पी, हीट ऑफ फॉर्मेशन हमको जो मिला रिलीज हुआ, या हीट जो रिलीज हुआ है वो 411.3 हीट रिलीज हुआ है, इसलिए माइनस में, याद रखिएगा हीट यहाँ पे रिलीज होता है। जब भी बॉन्ड ओनली फॉर्म व्हेन यू इज, यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन को यू बोल रहे हैं, बॉन्ड ओनली फॉर्म व्हेन यू इज निगेटिव नॉट पॉजिटिव, यानी कि जब भी हीट रिलीज होगा तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जब निगेटिव वैल्यू आएगी तो आपको पता होना चाहिए ओवरऑल प्रोसेस हमारा जो होगा एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक में जो है एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में प्यारे बच्चों एनर्जी रिलीज होती है। दो प्रोसेस होती हैं, एक एक्सोथर्मिक होता है, दूसरा एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक में एनर्जी देनी पड़ती है, एंडो एंडो एनर्जी दो, एंडो एनर्जी दो, तो उसमें हमको एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन एक्सोथर्मिक ऑलवेज जो है एनर्जी हमको मिलती है उसमें,
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आइए अब हम लोग हेस का नियम यूज करते हैं। हमने कहा कि कोई भी रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कराई जाए और चाहे उसको कई स्टेप में कराया जाए, जो हीट ऑफ एंथैल्पी है, जो एंथैल्पी चेंज है, वो हमेशा दोनों में क्या आता है, बराबर आता है, दोनों में बराबर आता है। इधर से इन सबका सम इधर एक के बराबर आएगा, ठीक है। तो इधर एक कौन सा है उसको लिख लेते हैं, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ये म्यू यू बोल सकते हैं। और यहाँ पे अब देखिए, अब जो दूसरा हम लोगों ने क्या गया है, कई स्टेप में कराई है, तो एक स्टेप वाला हो गया, तो एक स्टेप का जितना है ये पूरे स्टेप के सम के बराबर होगा अकेले, ठीक है। यही हमारा क्या कहता है, हेस का नियम, ठीक। आइए बता, तो इस वाले एनर्जी को क्या करेंगे, जो प्लस में जो जैसा है वैसा ही सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। प्लस में प्लस के साथ प्लस, सब्लिमेशन हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस डिसोसिएशन एनर्जी प्लस, और क्या कराए थे, तो आयनाइजेशन कराए हैं, ये काहे में है, प्लस में आयनाइजेशन, तो ये इतने प्लस में है, प्लस वालों को लिख लिया। अब माइनस वालों को जोड़ना सबको है, तो आयनाइजेशन, ये चीज जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये निगेटिव में होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, इसलिए निगेटिव होगा, तो माइनस का ई ए। अब भैया लास्ट स्टेप बच रहा है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, तो वो है लैटिस एनर्जी, वो है लैटिस एनर्जी। अब इसी को तो निकालना है, इसी को तो निकालना है लैटिस एनर्जी को, तो बाकी सबको जो है एक तरफ कर लेंगे और लैटिस एनर्जी को एक तरफ कर लेंगे, तो जब इसको इधर ले आएंगे तो ए भी कहां में चला जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस में चला जाएगा ये वाला, तो हमारा आ जाएगा लैटिस एनर्जी को इधर। ये हमारा हेस के नियम के द्वारा जो है इक्वेशन लिखा गया है, ये इक्वेशन हम लोगों ने कैसे लिखा है, तो हेस के नियम से, हेस लॉ के यूज करके हमने ये इक्वेशन लिखा है। अब इसमें हमको निकालना है लैटिस एंथैल्पी, तो लैटिस इधर एंथैल्पी कहा है में निगेटिव में, तो बराबर किधर आएगा, तो पॉजिटिव में, ठीक है। अब इसको उधर भेज देंगे तो यू हो जाएगा इधर पॉजिटिव में, बाकी ये एच एस यानी कि सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस डिसोसिएशन एंथैल्पी, और ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन गया एंथैल्पी, ठीक है। अब सबकी वैल्यू हमको पता है, सिर्फ जिसकी नहीं पता थी उसको मैंने एक साइड कर लिया, अलग कर लिया, अब इनकी वैल्यू पता है, रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, आप लोग क्या कर लीजिएगा, आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा जितना आएगा, आंसर कमेंट में बताइएगा पहले बच्चों कि आंसर कितना आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है यू की वैल्यू जो है कितनी है, माइनस का, इधर माइनस में अब नहीं होगा क्योंकि इधर लाया माइनस में इधर था, अब इधर लाया तो प्लस में हो गया, तो हम लोग सिर्फ वैल्यू लेंगे 411.3 प्लस सब्लिमेशन हीट कितना है, तो 107.8 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 495.4। फिर अब निगेटिव के साथ कौन सा है, तो निगेटिव में है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 348.8। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे और उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा, लैटिस एंथैल्पी। आप लोग प्लीज़ जो है इसको कैलकुलेट करके, ताकि हम भी तो देखें आप लोग कितने लेजी हैं और कितने एक्टिव हैं, इसको कैलकुलेट करके आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे प्यारे बच्चों और राज दुलारों बच्चों। तो हमने देखा कि जो है बॉर्न हेवर साइकिल के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो है हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लैटिस एंथैल्पी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं और नया टॉपिक शुरू करते हैं।
दूसरी बात ये हमने बताया है ओवरऑल प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि निगेटिव एनर्जी आती है। निगेटिव एनर्जी कहने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक, इतनी बात हो गई। इसमें कुछ समझने में अगर प्रॉब्लम हो कि बॉर्न हेवर साइकिल सर्जी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हमारे पास एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, कंडीशन फॉर फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए जो है क्या कंडीशन होना चाहिए? तो हम लोग जानते हैं कि दो चीज करना पड़ता है। पहली बात तो सोडियम जैसे गैस था, मेन दो चीजें हैं, और सीएल क्या था, ये भी गैस। मान लो मैंने जो ये तब का है जब हम लोगों ने क्या कर दिया है, ये सब्लिमेशन करा दिया है इसका, और इस फॉर्म में लाए हैं, गैसियस स्टेट में लाए हैं। इसके बाद पहले कुछ हमको क्या करना पड़ रहा था, आप ध्यान दीजिए। तो हमको क्या करना पड़ रहा था, हमें क्या कर रहे थे, इसके बाद हम क्या कर रहे थे, आयनाइजेशन एनर्जी। इसके लिए क्या कर रहे थे, आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि हमको एनर्जी देनी पड़ रही है। यहाँ क्या करनी पड़ रही, एनर्जी देनी पड़ रही है। और ये यहाँ पे ये है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, जिसमें हमें एनर्जी मिल रही थी, एनर्जी मिल रही है। ठीक है, ये सोडियम पॉजिटिव। तो आप खुद बताइए कि कंडीशन फॉर फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड के लिए जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? आसानी से कब बनेगा आयनिक बॉन्ड, जब इसका मान, जब हमको कम एनर्जी देना पड़ेगा तब ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। अरे भाई, कभी भी कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो क्या सोचते हो कि सस्ते में खरीद लें? ठीक है, उसी तरह ये बताइए, हमको आयनिक कंपाउंड बनाना है तो हम क्या एनर्जी की क्या करेंगे, बचत करेंगे कि नहीं करेंगे? एनर्जी की बचत करेंगे ना, हमको भी तो कम, हम भी तो यही चाहेंगे, सभी लोग यही चाहते हैं कि सस्ते में अच्छा हो जाए। तो इसलिए जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी का होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी का होना चाहिए कम होना चाहिए। इसलिए आयनिक, यानी पहला हम लोग कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम होना चाहिए, कम हो, लिस्ट। दूसरा हम लोग कह सकते हैं इसकी वैल्यू ज्यादा हो, यानी कि हमको एनर्जी ज्यादा मिले, हमको क्या मिले, एनर्जी ज्यादा मिले, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मिट गया, पुष्प राज झुकेगा नहीं, छरा। तो आइए अब हम लोग समझते हैं, प्यारे बच्चों क्या समझते हैं, अभी तक हम लोगों ने लैटिस एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी ये नहीं पढ़े थे कि लैटिस एंथैल्पी को क्या क्या अफेक्टेड कर सकता है। तो अब हम ये देखेंगे लैटिस एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले कारण। लैटिस एंथैल्पी किसके किसके माध्यम से इफेक्ट होगा, उस पर किसका किसका प्रभाव, ये देखने वाले हैं अब कि लैटिस एंथैल्पी को इफेक्ट करने वाले जो कारक हैं वो क्या क्या होते हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। तो लैटिस एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, प्यारे बच्चों एक बात बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के कुछ डिस्टेंस पर होते हैं तो उनके बीच जो है एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर सेम टाइप के चार्ज है तो रिपल्सन होगा, अगर अपोजिट टाइप के चार्ज हैं तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो हमारे हमारे केस में क्या होता है कि हमारे जो जो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने लिया था तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, तो हम भी तो उसमें भी तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं भैया है? जब उसमें भी चार्ज की बात हो रही तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे, तो हम लोग फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, कौन सा? कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो है फार्मूला होता है F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए भैया, ये अगर Na और एक Cl है, ठीक है, क्या है Na Cl, ठीक है, ये Na और ये Cl आयन, एक Na का आयन और दूसरा Cl का आयन, इनकी कुछ आयनिक रेडियस भी होगी, आयनिक रेडियस भी होगी, यही इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो यानी कि ये जो R की वैल्यू होगी हम लिख सकते हैं, ये मान लो इसको एक को A मान लो, एक को B मान लो, इसको अगर A मानोगे और इसको B मानोगे तो ये हो जाएगा आयनिक रेडियस R ऑफ B, और ये हो जाएगा इसकी रेडियस हो जाएगी R ऑफ A, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस हिसाब से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर Q1 Q2 इसको मान लो, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R की जगह पे लिख देंगे, R की जगह पे क्या लिखेंगे, दोनों का रेडियस जुड़ जाएगा, आयनिक रेडियस दोनों का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो आर ए प्लस आर बी का होल स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। तो इसको थोड़ा सा जो है डिपेंडेंस देखेंगे, तो डिपेंडेंस हम लोग देखेंगे तो हमको क्या पता चलेगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो है ये डिपेंड कर रहा है Q1 Q2 और ये जो आर ए प्लस आर बी यानी कि इस पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि इसके प्रोपोर्शनलिटी पे डिपेंड करता है, इसके प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 यानी चार्ज के क्या है, प्रोपोर्शनल है, चार्ज के क्या है, प्रोपोर्शनल है, लेकिन रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस के क्या है प्यारे बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब भी चार्ज बढ़ेगा, चार्ज देख लो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो चीज बढ़ती है तो उसके सामने वाला क्वांटिटी भी क्या होता है, इंक्रीज करती है। तो जब भी चार्ज बढ़ेगा, चार्ज का मान जब भी बढ़ेगा, तब तब हमारा जो उनके बीच का फोर्स लगेगा वो भी हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन रेडियस का मान अगर बढ़ने लगा, यानी कि हमारा कह सकते हैं कि एटम की अगर साइज बढ़ने लगी साथ में, तो जाहिर सी बात है रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा प्यारे बच्चों, देखिए अगर नीचे ये अपॉन में है कि नहीं, अगर इस वैल्यू को बड़ा करते जाओगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती, छोटी होती जाएगी। और हम लोग पढ़े भी हैं कि फोर्स चाहे कोई भी हो, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उसकी प्रबलता जो है कम होती जाती है, ठीक। तो आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चार्ज हैं उसके बढ़ने से फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। रेडियस के बढ़ने से फोर्स जो है कम होगा, ये बात समझ लीजिए और जान लीजिए कि चार्ज के बढ़ने से फोर्स भी बढ़ेगा। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स पाया जाएगा, आयनिक बॉन्ड के बीच, क्योंकि दोनों चार्ज है ना, चार्ज है, तो चार्ज के बीच कौन सा फोर्स, कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज बढ़ने के साथ साथ फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। रेडियस क्या होगी, कम होगी। हम लोगों ने जब आयनिक कंपाउंड की डिफिनेशन पढ़े थे तो उसमें बताया भी थे कि वहां पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, वैद्युत बल पाया जाता है, लेकिन तब तो आपका ध्यान रहता ही नहीं। अरे ध्यान दो कचरो, ध्यान दो, ये बात हो गई। ये तो हम फोर्स की बात कर रहे थे। अब आपको पता है कि जब दो चार्जेस होती हैं तो उनके बीच में जो है पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, पहले इसको मिटा देते हैं तब ज्यादा सही है।
प्यारे बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है 1/4πε0Q1Q2/r। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो जो दो चार्ज पार्टिकल अगर हैं तो उनके बीच में जो है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होता है 1/4πε0Q1Q2/r। ठीक है, तो हम लोग डिपेंडेंस देखेंगे। डिपेंडेंस तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ये एनर्जी जो है लैटिस एनर्जी के अप्रॉक्स होगी एनर्जी, और ये इसका डिपेंडेंस देखेंगे प्यारे बच्चों, तो Q1Q2/r। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं, देखिए Q1Q2 क्या है, लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Q1Q2 क्या है, लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि जब Q1 और Q2 दोनों बढ़ेंगे चार्ज बढ़ने पर, यानी कि चार्ज जब इंक्रीज करेगा तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। बात समझ में आई कि नहीं है? यानी कि हम कह सकते हैं कि when charge will be increasing then lattice enthalpy also increases, कह सकते हैं। और रेडियस पे जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस पे कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब रेडियस क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तब जो है लैटिस एंथैल्पी का मान घटेगा। नीचे वाली वैल्यू के बढ़ने पर ओवरऑल वैल्यू क्या होता है, कम होता है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए जब रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। यानी कि हम लोग लिखते हैं लैटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आर वही हो जाएगा, आर क्या होगा, Q1Q2/r जो है r(a+r)b, रेडियस ए का और रेडियस बी का। ए मतलब समझ रहे हैं पहले वाले चार्ज का, और बी मतलब दूसरे वाले चार्ज का रेडियस।